नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। भारत की राजनीति में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित की जोड़ी जहां जहां जाती है, विपक्ष की तमाम बाजी और चालाकियों को पलट कर रख देती है। मोदी शाह की जोड़ी के नेतृत्व में एनडीए एक के बाद एक जीत अपने नाम कर रही है। मजेदार बात यह है कि मोदी अमित शाह एक ऐसी जोड़ी का नाम बन गए हैं जो हारी हुई बाजी को भी अपने नाम कर डालते हैं। इसका ताजा उदाहरण है राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव, जो बहुमत न होने के बावजूद एनडीए ने बड़े अंतर से जीत कर दिखा दिया। आंकड़ों के हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति चुनाव, दोनों जगहों पर एनडीए का पलड़ा भारी था और उनके उम्मीदवार की जीत भी तय थी। लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, यही वजह है कि ये चुनाव कांटेदार बन गया था। लेकिन यूपीए की देरी और मोदी शाह के गणित ने एक बार फिर विपक्ष को मात दे दी। दरअसल एनडीए ने पहली बाजी मारी जब उसने यूपीए से पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और उनके लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। इसके लिए मोदी और शाह ने अपने सहयोगी दलों को तो साथ कर रखा ही, साथ ही विपक्षी दलों से भी बात की। जिन दलों से बीजेपी का 36 का आंकड़ा रहा, उनसे नीतीश कुमार ने फोन कर समर्थन मांगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई नवीन पटनायक की बीजेडी ने, जिसके राज्यसभा में 9 सांसद हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन से बाहर रहने वाली बीजेडी को नीतीश कुमार ने फोन कर समर्थन के लिए राजी किया। उधर यूपीए ने तब तक अपने उम्मीदवार का चुनाव तक नहीं किया था। नीतीश ने अरविंद केजरीवाल को भी समर्थन के लिए फोन किया। हालांकि बीजेपी से गठबंधन होने की वजह से आपने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन सदन से बाहर रहकर यूपीए की राह और मुश्किल कर दी। आप चाहती थी कि खुद राहुल गांधी फोन कर अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन की मांग करें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई। इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी विपक्ष की एकता में सेंध लगाने में कामयाब हो गई।